पीओके में बगावत और वहां पर तिरंगा क्रांति की आहट, पाकिस्तान के लिए ये सबसे ज्यादा बेचैनी बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। और लगातार जो हिंदुस्तान में माहौल चुनाव का बना हुआ है, 4 जून का इंतजार आपको और हमें सबको है। ये देखना होगा कि किसकी बनेगी सरकार, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंतजार है वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में बैठे हुए उन प्रदर्शनकारियों को है, जो नजरें गड़ाए हुए हैं कि 4 जून क्या फिर से मोदी सरकार की वापसी हो रही है। अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए मोदी सरकार जानी जाती है, तो क्या पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय कर दिया जाएगा? क्योंकि बार बार चुनाव में पीओके का मुद्दा उठ रहा है, वो भी बड़े चेहरों के जरिए। इन सब के बीच में पाकिस्तान में जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आज सबसे बड़ी तारीख भी है। इसी प्रदर्शन के चलते पाकिस्तानी फौज और शहबाज के खिलाफ जबरदस्त विरोध की अग्नि है जो लगातार देखने को मिल रही है। ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने बंद का ऐलान किया है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं। 8 मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी आंदोलन नहीं रुकने वाला, ये सीधे तौर पर ऐलान कर दिया गया है। पाक फौज बंदूक के साथ मजहबी फतवों को लेकर उनका सहारा ले रही है। नाइंसाफी, बेरुखी और जुल्म ज्यादती से तंग आ गए हैं पीओके के लोग और इसीलिए सड़कों पर हैं। 8 मांगे उनकी और 8 मांगों को लेकर कह रहे हैं जो नाइंसाफी है, ये जो बेरुखी है, ये जो जुल्म और ज्यादती है, इसके खिलाफ आवाज उठती रहेगी। और ये जो आज का प्रदर्शन है, बंद का ऐलान किया गया है और ज्यादा से ज्यादा लोग सड़कों पर आए, इस तरह की बात भी कही जा रही है। पीओके में लगातार अब ये जो जुल्म है लोगों पर देखने को मिल रहा है। पीओके में अभी के हालात क्या है, ये आपके लिए जानना समझना जरूरी है। पाकिस्तानी फौज के जुल्म पर लोगों का सब्र का जो बांध था वो अब टूट चुका है और जब जुल्म के खिलाफ लोग सड़कों पर आए हैं तो प्रदर्शन की ऐसी ही तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर अभी तक देख रहे थे। पीओके में आजादी को लेकर आंदोलन तेज हो गया है और यहां पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और ज्यादा तेज। पाकिस्तान के कब्जे से आजादी की मांग यहाँ लोग कर रहे हैं। पीओके के शहरों कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है, जिसकी कुछ खास बड़ी वजह है। महंगाई बहुत बड़ी वजह है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बिजली कटौती से लोग परेशान, बिजली की सब्सिडी खत्म होने से परेशान, ऐसी कई मांगों को लेकर लोग सड़कों पर आए भी थे। पाकिस्तान सरकार घुटनों पर आई भी पिछले दिनों, लेकिन लोगों का जो सब्र का बांध है वो अब टूट चुका है। पीओके में आजादी का आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया है। कई एक्टिविस्ट ने भारत से मदद की गुहार भी इस बीच लगाई है और ये कहा है कि भारत इसमें इंटरफेयर करे, मोदी सरकार इंटरफेयर करे ताकि हमें इन हालातों से छुटकारा मिल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की शह पर चीन का दखल और अत्याचार भी यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीपीईसी के नाम पर चीनी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं, जिसका सीधा सीधा जो असर है वो आम लोगों पर दिखाई पड़ता है। पीओके में यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ न सिर्फ नारे बुलंद है बल्कि लोग सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार भी किया, फायरिंग भी वहां पर की गई, कुछ लोगों की जान भी गई, लेकिन लोग पीछे हटे नहीं और अपनी मांगों को लेकर अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं और अलग अलग शहरों कस्बों में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया है। मेरे सहयोगी दानिश रिजवी मेरे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव इस खबर को लेकर, क्योंकि 27 मई पहले से ये डेट डिक्लेयर की गई थी। साथ ही साथ कर्नल जेएस सोधी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। दानिश, 27 मई का ऐलान पहले से था, यानी कि जो अब तक का प्रदर्शन, अब तक की तस्वीरें थी, उससे कहीं ज्यादा संख्या में लोग आज सड़कों पर आएंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पिछले 17 दिन से तकरीबन लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान सरकार और फौज के खिलाफ लोगों में गुस्सा नाराज़गी थी, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया है पाकिस्तान एक्शन कमेटी के लोगों ने और ये मांग लगातार इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सरकार वहाँ के संसाधनों पर कब्जा किया है और उसके एवज में वहाँ के लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, उसकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रफल, भारत के जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल और आबादी देखेंगे, दोनों में फर्क क्या होता है कि यहाँ तकरीबन 1.25 करोड़ आबादी है, वहाँ की आबादी 40 लाख है और वहाँ के क्षेत्र में 13,000 करोड़ है, लेकिन वहाँ पर टूरिस्ट जाने से बचते हैं। यहाँ टूरिस्ट के लोगों की बढ़ने की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन वहाँ का फ़र्क क्या है, वहाँ के लोग क्या कहते हैं कि हम आपको कुछ रिकॉर्ड बताते हैं कि पीओके और जम्मू कश्मीर में फ़र्क क्या है। जम्मू कश्मीर की पर कैपिटा इनकम 1.25 लाख से ज़्यादा है जबकि पीओके की इससे आधी है।
भारतीय कश्मीर में 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियाँ हैं के मुकाबले में पीओके में मात्र 6 यूनिवर्सिटियाँ हैं। जम्मू कश्मीर में 2800 से ज़्यादा सरकारी अस्पताल हैं, वहीं पीओके में मात्र और मात्र 23 हॉस्पिटल हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के आम चुनाव में, मतलब जो वहां का आम चुनाव होता है, वहां पर वोट नहीं कर सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में के लोकसभा, जब भारत में लोकसभा चुनाव होता है, आप देखिए कि बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर अपनी सरकार को चुनते हैं। और ऐसे में वहाँ के लोग जब देखते हैं कि वही खूबसूरती जब पीओके में, वही खूबसूरती जम्मू कश्मीर में, कि हमें भी भारत में विलय चाहिए, हमारी भी अनदेखी जिस तरीके से हो रही है, नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूके देवनाथ सर, 4 जून जब ये तय हो जाएगा देश में किसकी बन रही है सरकार, लेकिन 4 जून का इंतजार उधर पीओके में बैठे हुए लोगों को सबसे ज्यादा, और ये उम्मीद भी, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो इससे पहले नहीं हुए, इसीलिए लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद हमारा भी इस बीच भला हो जाएगा। जिस तरह से भारत की सरकार ने एक बहुत ही लॉजिकल थॉट प्रोसेस के तहत धारा 370 और 35A को खारिज कर दिया और आज जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक बन गए हैं, सामान्य जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसी तरह से पीओके के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 4 जून को जब फिर से भारत में एक बहुत मजबूत सरकार पावर में आएगी तो भारत की जो नई सरकार होगी मजबूत सरकार होगी, शायद मोदी जी की ही सरकार होगी, वह इस तरह के डिसीजन लेने से हिचकिचाएगी नहीं। किस तरह का डिसीजन? कि पीओके भारत का हिस्सा बहुत जल्दी बनने वाला है। इससे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट डरी हुई है, बौखलाई हुई है। पाकिस्तान में जो डीप स्टेट है उनको बहुत चिंता है कि अगर फिर से मोदी जी की सरकार 4 जून को आ गई तो शायद भारत सही तरीके से, सही अंदाज से पीएको को भारत में विलय के लिए अगली कार्रवाई शुरू कर देगी। जहां तक आज की बात है, सुबह से ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो पीओके में दूरदराज के क्षेत्रों में सुबह से ही सड़कों पर, गलियों में आए हुए हैं। खबरें आ रही हैं कोटली से, मुजफ्फराबाद से, मीरपुर से कि ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट ऑलरेडी चालू हो गया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, हमें समझना पड़ेगा कि पीओके के लोग रोज रोज ये देखते हैं कि भारत के जम्मू कश्मीर में कितनी अमन है, शांति है, पीसफुल है, प्रोग्रेस हो रही है। तो करोड़ टूरिस्ट आए हुए हैं भारत में, भारत के जम्मू कश्मीर में इस साल, तो ये दर्शाता है। ये ऐसी कई वजह हैं जिसके चलते अब पीओके के जो लोग हैं न सिर्फ सड़कों पर आए हैं बल्कि अब उन्हें उम्मीद भी जग रही है कि बेहतर तरीके से अगर भारत सरकार कदम उठाए तो दिन उनके भी बदल सकते हैं, अमन शांति उनके भी करीब आ सकती है। आप रहिएगा, कर्नल सोढ़ी भी हमारे साथ में है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट। गिलगित बाल्टिस्तान में असेंबली से मुनीर को अल्टीमेटम यहां पर दे दिया गया है। जनरल आसिम मुनीर की धमकी के बावजूद आंदोलन लगातार जारी है। पाकिस्तानी सेना ने जुल्म ज्यादती भी की लेकिन लोग पीछे हटे नहीं। पीओके की आवाम फौज की धमकी से डरने वाली नहीं है, ये सीधे प्रदर्शनकारियों ने ऐलान कर दिया है। पीओके में अधिकार की लड़ाई है, जनता अब जाग चुकी है, यानी कि प्रदर्शन जो हो रहे हैं वो अपने अधिकारों के लिए हो रहे हैं। और इन सब के बीच में कह दिया गया, शहबाज सरकार के आगे पीओके की आवाम झुकने वाली है नहीं। पीओके में सरकार के खिलाफ बगावत जारी रहेगी और आज से पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ी बगावत का बिगुल यहाँ फूंक दिया गया है। कर्नल सोढ़ी, 27 मई ऐलान था कि अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर होगा और उसी प्रदर्शन के आगे सीधे कह दिया गया है कि अब पाकिस्तान सरकार के आगे हम न तो झुकने वाले हैं न पीछे हटने वाले हैं। जयंत रचना जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। कोई भी देश तब सक्षम या सार्थक होता है जब वो 3 बुनियादी असूलों को अपनाता है। सबसे पहले आर्थिक क्षमता, फिर सैनिक शक्ति और सबसे बाद में परमाणु हथियार। जो देश सक्षम और सार्थक हुए हैं ये विधि को फॉलो करके, उनके एग्जाम्पल्स हैं भारत, अमेरिका, रूस। लेकिन जो देश इसके विपरीत चलते हैं, यानी पहले परमाणु हथियार बनाते हैं और बाद में आर्थिक व्यवस्था के बारे में सोचते हैं, वो देश हमेशा मुश्किल में पड़ते हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो अपने क्रिएशन के बाद 1947 से एक तो जो भारत के विरोधी नीति अपनाई, दूसरा जो उन्होंने परमाणु हथियार बनाने शुरू किए, आज उनकी आर्थिक जो क्षमता है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और जिस देश के पास पैसा नहीं होता है वो अपनी आवाम को कभी खुश नहीं रख सकता है। यही कारण है कि आज चाहे पाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो, वहां की आवाम पाकिस्तानी हुकूमत से नाखुश है क्योंकि उनके पास बुनियादी चीजें नहीं है
एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। जब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को देखते हैं कि वहां पे कितनी खुशहाली है, लोग दो दो बजे तक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, जबकि ये सहूलियतें उनके पास नहीं है, तो पीओजेके के लोगों में एक निराशा होती है, उनका आक्रोश बढ़ता है। और जो हमने देखा पिछले कई महीनों से, ये लगातार वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और आज जो एक नया मोड़ आया 27 मई के प्रदर्शन से, वो दिन दूर नहीं कि पीओजेके की आवाम खुद ब खुद चल के भारत में विलय हो जाएगी। जिस तरह के हालात अभी बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि बहुत जल्द कुछ तो बड़ा होने वाला है। दानिश, अगर आज से बड़े बगावत को लेकर बिल्कुल फूंक दिया है पीओके के लोगों ने और सीधे कह दिया है पाकिस्तान के सरकार के आगे हम तो अब नहीं झुकने वाले, आसिम मुनीर की तरफ से क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस की खबर भी मिल रही है? आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों इस वक्त मंथन और चिंतन कर रहे होंगे, जिस तरीके से 17 दिन से लगातार वहाँ की आवाम प्रदर्शन कर रही है, जो आग सुलगी थी ये पिछले एक दो दिन की 10 दिन की बात नहीं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पिछले 7 दशक से यही काम चल रहा है, वहाँ के लोग आज़ादी की लगातार मांग करते रहे, आज महंगाई बेरोजगारी से सब एक मुद्दा के तहत एक मुद्दे को आगे लेकर, लेकिन उनका असल मकसद जो है वो आज़ादी पाना है, महंगाई को एक बहाना है, आज़ादी दरअसल पाना है, उनका मकसद यही है कि हमको आजाद किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर, लेकिन वहां से निकलना है, आजादी पाना है और भारत में विलय हो जाना है, ये मांग सबसे बड़ी है और यही फितूर पीओके के लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इन सब के बीच में पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने पीओके का समर्थन कर दिया है। बड़ी खबर, इमरान खान जो कि खुद जेल की सलाखों के पीछे हैं, पीओके में प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं, पीओके में आवाम के साथ नाइंसाफी की सारी हदें पार कर दी गई हैं, ये कहा है उन्होंने, और कह रहे हैं शहबाज सरकार पीओके के मसले का जल्द ही हल निकाले वरना हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। पीओके में जो कुछ हुआ, जो होने वाला है, वो महज एक ट्रेलर है, यानी कि ये ट्रेलर है तो फिर पिक्चर क्या होगी, अंदाजा लगा सकते हैं। पीओके में लगी आग पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचेगी, पाकिस्तान के चारों प्रांतों में अब बड़ी क्रांति होने वाली है। शहबाज शरीफ सरकार चलाने में अब तक नाकाम रहे हैं, हालांकि विपक्षी पार्टियों का काम होता है यूके देवनासर बोलना, लेकिन इमरान खान ने ये कौन सा संकेत दे दिया, आग चारों तरफ भड़केगी? पाकिस्तान में आग चारों तरफ भड़क चुकी है। आज इमरान खान तो जेल से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहता है, खैबर पख्तूनवा वजीरिस्तान का एरिया पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, और तो और सिंध के जो लोग हैं वो भी पंजाबी पाकिस्तानी, जो सुन्नी पाकिस्तानी हैं पंजाबी, उनके डोमिनेंस से खुश नहीं है। पीओके में तो हर रोज लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त क्रांति का झंडा आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक चीज हो रही है कि पाकिस्तान की जो पंजाबी डोमिनेटेड एस्टेब्लिशमेंट है, वो रावलपिंडी से इस्लामाबाद से सिर्फ पुलिस भेज रहे हैं, रेंजर्स को भेज रहे हैं, आर्मी को भेज रहे हैं, पीओके के लोगों का दमन करने के लिए। सीपीईसी प्रोजेक्ट बनने के बाद पीओके के सैकड़ों हजारों लोगों को उनके घर से बेदखल कर दिया गया। सीपीईसी प्रोजेक्ट बनाने के लिए जमीन जो है जबरदस्ती हथिया ली गई वहां के ग्रामीणों से, और उनको जो कंपनसेशन मिला है, मुआवजा मिला है, वो 54-58 के रेट पर दिया गया है। तो पीओके के लोग नहीं चाहते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा रहें, वो चाहते हैं कि वो भारत के कश्मीर का हिस्सा बन जाएं, ताकि भारत के कश्मीर की जिस तरह से उन्नति हो रही है, भविष्य में उसी तरह से पीओके में भी उन्नति हो, गांव में, दूर दराज के शहरों में अस्पताल बने, स्कूल शिक्षा संस्थान खोले जाएं, वाईफाई कनेक्शन आ जाए, रोड कनेक्शन पहुंच जाए, पीओके बहुत जल्दी वहां के लोग खुद ही भारत में मिलाने के लिए। और जब आम लोग सड़कों पर आ जाएं तो समझिए कि फिर अब जब अधिकारों को लेकर जागरूक है तो फिर जल्दी से पीछे नहीं हटने वाले, या फिर ये कहिए जब तक मुकाम ना मिल जाए तब तक पीछे नहीं मिलने वाले, हटने वाले। इन सब के बीच में पाकिस्तानी फौज और टीटीपी में भी जबरदस्त मुठभेड़ की खबर मिल रही है। मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने मार गिराए हैं टीटीपी के 5 आतंकी। मुठभेड़ में टीटीपी के 3 आतंकी भी जख्मी हो गए। पाकिस्तानी सेना के एक कैप्टन समेत 2 सैनिकों की भी जान इस पूरी मुठभेड़ में गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में टीटीपी के खिलाफ सेना का ये अभियान चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान जहां पर अपनी ही आवाम के खिलाफ पाकिस्तान सरकार के फैसले उन पर भारी पड़ रहे हैं,
वहां लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट है। इधर पीओके में प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं और यहां टीटीपी से सीधे सीधे मोर्चा लिए हुए पाकिस्तानी सेना। दानिश, पाकिस्तान पर जो आफत आई है वो कम होने का नाम ले रहे नहीं ले रहे। एक तरफ अंदरूनी कला से परेशान है, दूसरी तरफ बाहरी शक्तियों से दो चार है, और दो तीसरी तरफ आस पड़ोस के मुल्कों से जिस तरीके से उसकी लगातार फजीयत हो रही है। कभी तालिबान हमला कर देता है, कभी टीटीपी हमला कर देता है, कभी ईरान हमला कर देता है, कभी भारत उस पर सर्जिकल स्ट्राइक करता है। यह उसकी जो कमियाँ हैं, जो उसकी जो उसकी करतूत है, उसका वो खामियाजा भुगतता रहता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तालिबानी टीटीपी लगातार पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है, ये कोई एक दिन की बात नहीं, पिछले एक महीने से, बल्कि कहा जाए कि मार्च के महीने से लगातार हमले कर रही है। अब ये खबर है कि तकरीबन 5 टीटीपी के आतंकी मारे गए हैं और उसमें से तीन पाकिस्तानी फौज के लोग मारे जा चुके हैं। ये जो इलाका है पाकिस्तान जो बोता है वही काटता है, यही नौबत पाकिस्तान के आगे इस वक्त आ गई है, जो अलग अलग मोर्चों पर वो परेशानी झेल रहा है, उठा रहा है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, खैबर पख्तूनख्वा में बौखलाए हैं टीटीपी के खूंखार आतंकी। जैसे अभी दानिश ने कहा कि ये जो टसल है ये पिछले कुछ दिन में तेजी से बढ़ी है, ऐसे में रांझिंदा से डेरा इस्माइल खान जा रही बस में सीधे तौर पर आग लगा दी गई। आतंकियों ने बस रोककर यात्रियों को जमकर प्रताड़ित भी किया है। आतंकियों ने बस रोककर जबरन यात्रियों को उतार लिया। बस जलाने के बाद टीटीपी के आतंकी मौके से फरार भी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी जिलों में कानून व्यवस्था चौपट है, जिसका सीधा सीधा असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। कर्नल सोढ़ी, बिल्कुल रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, क्योंकि पीओजेके के लोगों को बेसिक सहूलियतें नहीं मिली हैं, तो उनका आक्रोशित होना तो बिल्कुल जायज है, क्योंकि हर इंसान एक डिग्निफाइड जिंदगी जीना चाहता है, उसे बेसिक चाहिए होते हैं एक जिंदगी जीने के लिए। लेकिन ये चीजें पीओजेके में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं है? पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है चित्राल। कुछ हफ्ते पहले चित्राल में आटा का भाव 1200 रुपए किलो हो चुका था वहां पे। तो आप सोचिए कि जिस जगह में 1200 रुपए किलो के आटे के भाव से आदमी अगर कुछ खरीदता है वो कितने दिन जीवित रह पाएगा। तो ये जो पाकिस्तान हो या पीओजेके हो, यहाँ पे जो त्राई त्राई मची हुई है, ये सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत ने 1947 से लेकर आज तक कभी अपने आवाम के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ यही सोचा मैं अपनी जेबें कैसे भरूं, मैं ऐशो आराम की जिंदगी कैसे जीऊं। अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने कभी अपनी आवाम के बारे में सोचा होता, आज पाकिस्तान में इतने बुरे हाल नहीं होते। यही तो बदकिस्मती पाकिस्तान के लोगों के आगे है। और इन सबके बीच में एक और परेशानी है जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक झेल रहे हैं। पाकिस्तान में दो ईसाई परिवारों पर भीड़ का कहर टूटा है। हमले में एक बुजुर्ग की मौत की खबर मिल रही है, 5 लोग ऐसे हैं जो कि जख्मी हुए हैं। दरअसल जानकारी ऐसी मिल रही है कि जो ईसाई परिवार हैं, ईसाई समुदाय के जो लोग हैं, उन पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगाया गया और ऐसे में भीड़ का गुस्सा जो था वो इन ईसाई परिवारों पर टूट पड़ा। ईसाइयों की पिटाई कर उनके घर, उनके फैक्ट्री में आग लगा दी गई। ईश निंदा के आरोपों पर घर में तोड़फोड़ और आगजनी की गई है। उन्मादी भीड़ ने पुलिस पर भी पत्थर और ईंटें फेंकी, यानी कि पुलिस जब कंट्रोल करने के लिए पहुंची उन पर भी हमला हुआ। पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप है। तहरीके लबैक पाकिस्तान के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले के मुजाहिद कॉलोनी की ये पूरी घटना है। ये घटना कैसे घटी, अभी का अपडेट क्या है, एक रिपोर्ट देखते हैं। मजहब की लड़ाई, टारगेट पर पहले हिंदू अब ईसाई। ईश निंदा कानून का फंदा, बेकसूर के घर पर हमला। ईश निंदा का इल्जाम, पाकिस्तानी ऐसे बने हैवान। पाकिस्तान में मजहबी युद्ध ईसाइयों के विरुद्ध। इस तस्वीर को हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इतनी क्रूर, इतनी विभत्स, इतनी निर्दयी, इतनी अफसोसनाक है जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता, जिसे देखने के बाद कलेजा मुंह को आ जाए। लेकिन उन्मादी भीड़ की करतूत को यूं समझिए कि एक शख्स कट्टरपंथियों के चंगुल में फंस जाता है, फिर बेतहाशा मारा जाता है, लाठी डंडों से पीटा जाता है, ईंट पत्थरों की बारिश होती है। शख्स कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिस तरफ जाता है
जालिमों की हर तरफ फौज मुस्तैद है और सिर्फ ईंट पत्थर और लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला होता रहता है। पूरी घटना पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सरगोधा जिले की है, जहां एक ईसाई शख्स पर कुरान की बेअदबी करने का आरोप है। फिर क्या था, जरा सी देर में पगलाई आतंकियों की फौज ईसाई के घर आ धमकी। पहले घर में मौजूद हर शख्स को जमकर पीटा गया, फिर घर के सामान को तोड़ा गया और जब इतने से भी दिल नहीं भरा तो घरों में आग लगा दी गई। जमीन पर अधमरा यह शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और कट्टरपंथियों की जमात जमीन पर अधमरे शख्स पर ईंट पत्थर जूतों और लातों से बेतहाशा मार रही है। इसी शख्स के बगल में खड़ा एक शख्स मजहब के नाम बौखलाई भीड़ से विनती गुजारिश हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा है, लेकिन इंसानी शक्ल में हैवानों पर हैवानियत पूरी तरह से गालिब हो चुकी है। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए, ये जूते की फैक्ट्री है जहां उन्मादी भीड़ में यहां भी उपद्रव किया। पहले ईशिंदा के आरोपी ईसाई के घर में आग लगाई गई, फिर जिस जगह पर ईसाई काम करता था उसे भी आग के हवाले कर दिया गया। आग लगाने से पहले जिसको जो हाथ लगा उसको लूट ले गया। देखिए ये भीड़ कैसे जूते को लूट रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस बल वहां पहुंचा तो जरूर, उन्होंने इलाके में घेराबंदी करके दो ईसाई परिवारों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। इसके बाद पुलिस ने करीब 25 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। हमले में ईसाई समुदाय के 5 लोगों को गंभीर रूप से घायल हुए, वहीं पत्थरबाजी में 10 पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल सभी जख्मियों का इलाज जारी है। बहरहाल आतंक परस्त पाकिस्तान में आतंकियों, दहशत गर्दों, कट्टरपंथियों और कठमुल्लाओं का बोलबाला जारी है, जहां ईसाइयों, हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों और शियाओं के लिए मुल्क जहन्नम बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुरान की बेअदबी का आरोप लगाकर लोगों की जान ले ली गई, लेकिन कोई मजहब नहीं कहता कि किसी की जान ले ली जाए। साथ ही साथ फिर से अंधेरे में डूबेगा कंगाल पाकिस्तान, ये भी एक खबर मिल रही है। कंगाली में अब बिजली को भी तरसेगी वहां की आवाम। बिजली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने इसकी जानकारी दी है, बिजली कटौती की चेतावनी दी है। बकाया भुगतान नहीं अगर हुआ तो के इलेक्ट्रिक कंपनी को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। के इलेक्ट्रिक कंपनी का अरबों रुपए का जो बकाया है वो अगर उसे नहीं मिलता है तो फिर यहाँ बिजली कटौती की मार भी लोग झेलेंगे। जल एंड सीवरेज बोर्ड पर के इलेक्ट्रिक का 5 बिलियन रुपए बकाया है। बकाया भुगतान न होने पर सिंध में गुल हो सकती है पूरी तरह से बत्ती, यानी कि गर्मी एक तरफ और दूसरी तरफ ये बिजली की कटौती। सिंध प्रांत के कराची शहर में कभी भी हो सकता है ब्लैकआउट। दानिश, दो खबरों पर जल्दी से जानकारी। एक तो ये कि मजहब क्या किसी की जान लेने के लिए कहता है, जो इससे पहले हमने खबर दिखाई, साथ ही साथ क्या पाकिस्तान के लोग ब्लैकआउट भी झेलेंगे? बिल्कुल, कोई मजहब आपको, जो मजहब आता है, जो धर्म होता है वो आपको इंसानियत तो मानवता सिखाने के लिए होता है। कोई धर्म किसी पर अत्याचार जुर्म ज्यादती के लिए नहीं होता है। और दूसरी खबर जिस तरीके से आ रही है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अब बिजली गुल हो जाएगी, उसकी वजह है कि कई बिलियन का डॉलर का जो कर्ज सिंध प्रांत के जो सूबे की सरकार है उस पर लगातार बढ़ता जा रहा है, उसका बकाया अब तक चुका नहीं पाई है। अभी जिसके एवज में वहां पर दूर दूर तक आसार दिखते हैं नहीं। यूके देवनाथ सर, अभी तक तो रोजी रोटी का संकट था, खाने के लाले पड़ रहे हैं और ऊपर से बिजली का संकट, गर्मी इतनी ज्यादा है। देखिए, पाकिस्तान में जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है टोटली फेल हो रही है। उनको ये समझना पड़ेगा कि देश को आगे चलाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्शन की जरूरत है। हाँ। अब पाकिस्तान में होता यह है कि बिजली या तो प्रोडक्शन लो है या जो बिजली है वो दूरदराज के क्षेत्रों तक ट्रांसमिशन प्रॉब्लम है। जहां थोड़ी बहुत बिजली पहुंच जाती है उसकी कटौती बहुत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि लोग ज्यादा हैं और बिजली की सप्लाई कम है। इससे भी बड़ी भयंकर बात यह है कि लोग जो हैं उनको बिजली का बिल जो पे करना पड़ता है वो पिछले एक साल में कहीं पे दुगुना, कहीं पे 4 गुना हो गया है। अच्छा, लोगों की वहां पे कमाई नहीं है, जो आमदनी के साधन है आम आदमी के, ठीक आप कह रहे हैं, आमदनी का साधन है नहीं। पाकिस्तान को तो यूं भी आदत हो गई है कर्ज के बोझ तले जीने की, तो फिर कैसे बकाया चुकाया जाएगा? कर्नल सोढ़ी। रचना जी, देखिए, कर्ज लेना एक बात होती है लेकिन उस कर्ज को ठीक जगह लगाना सबसे अहम होता है। IMF ने 23 बारी पाकिस्तान को लोन दिए लेकिन ये सारे जो पैसा आया है, जो अरबों डॉलर के उसमें था, ये सारा पैसा या पाकिस्तानी सेना के जनरल खा गए या फिर पाकिस्तान की हुकूमत जो उस वक्त शासन करी थी उसके नेता खा गए, और जो वहां की आवाम है उसको कुछ नहीं मिला। तो वहां पे कोई फैक्ट्री है नहीं क्योंकि वहां पे लोन्स मिल नहीं सकते, पैसा है नहीं,
पाकिस्तान के बैंक बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो आवाम करे तो करे क्या। ऊपर से ये जो बिजली की प्रॉब्लम है वहां पे, जो बिजली जो कुछ थोड़ी बहुत होती है कि ये पहली परेशानी नहीं है, बेसिक सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, बुनियादी जरूरतों के लिए वहां की आवाम तरस रही है। एक तरफ पाकिस्तान की आवाम, दूसरी तरफ पीओके के प्रदर्शनकारी, चारों तरफ सिरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान सरकार के लिए। कर्नल सोढ़ी साथ ही साथ यूके देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दानिश आपका भी शुक्रिया इन सभी खबरों पर अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ